एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद स्पेंसर में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में लेटर टू गॉड पढ़ा था। आज हम उसके बाद नेल्सन मंडेला पढ़ना शुरू करेंगे। नेल्सन मंडेला एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ चैप्टर है जिसमें नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया गया है। कैसे साउथ अफ्रीका में उस समय कलर पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम उसके 25 MCQs पढ़ेंगे। 25 MCQs पढ़ेंगे और उन्हें अगली मतलब क्लास में याद करके लाएंगे। और यह याद रखिएगा, अगली जो वीडियो आएगी, लेक्चर जो चैप्टर थर्ड थर्ड की वीडियो आएगी, उस चैप्टर थर्ड की वीडियो में आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें चैप्टर वन और चैप्टर टू दोनों के MCQs की टेस्ट होगा। ठीक, कम्बाइंड टेस्ट होगा। वो आपको लिंक पे क्लिक करके वहाँ पहुँच के ऑनलाइन टेस्ट देना है, और जो उसका सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे उनके मैं अनाउंसमेंट गूगल यूट्यूब पे करूँगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कब था, मतलब कब जो इनॉग्रेशन था वो हुआ था। तो जो हुआ था 10th मई। ठीक, 10th मई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। तो बेटा जो ये गवर्नमेंट बनी थी वो पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। इससे पहले जो बेटा जो गवर्नमेंट बनती थी वो गोरों की होती थी, मतलब अंग्रेज़ों की होती थी, मतलब ब्रिटिश की होती हैं होती थी। तो ये गोरे लोगों की सरकार चल रही थी। लेकिन जब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत सारी कई बार जेल भी गए, तो उन्होंने जब ये स्ट्रगल किया उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी वो ये पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, मतलब जिसे कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो ये इनॉग्रेशन हुआ था वो कहाँ पे हुई थी। तो ये एम्फी थिएटर में हुई थी। ठीक है, एम्फी थिएटर में हुई थी। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो आंसर बेटा हमारा कितना है, टू डिप्टी प्रेसिडेंट्स। ओथ भी ली थी इन्होंने, आपको बताया होगा। उनके नाम हैं, वो बुक में लिखे हुए हैं वैसे तो, और ये हो सकता है पार्ट टू में बताऊं। लेक्चर वन और लेक्चर मतलब चैप्टर वन और चैप्टर टू दोनों की पार्ट टू आएंगे। थोड़े MCQs ढूंढने हैं अभी, बाकी हैं कुछ करना, कुछ MCQs बनाने हैं, तो उन MCQs को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए पार्ट जो पार्ट वन है वो तो कुछ MCQs आराम से मिल जाते हैं, और 30-35 के बाद जो MCQs बनाना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही वो बन जाएगी, जैसे ही वो वीडियो बन जाएगी वैसे ही आपके पास चैप्टर टू की भी वीडियो आ जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर, वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। जो अदर कंट्रीज थी उन्होंने अपने जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो साउथ अफ्रीका से क्यों तोड़ दिए। तो क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी, अपार्थाइड पॉलिसी। अपार्थाइड मतलब वो कंट्री जहाँ पर आप रंग पे जो भेदभाव होता है, रंग पर जो भेदभाव होता है उसे बोलते हैं अपार्थाइड। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th में अपार्थाइड के बारे में, है ना। अगर पढ़ा है तो कमेंट बताइए व्हाट इज अपार्थाइड। डेफिनेशन बतानी है, बता तो ये तो मैंने बता दिया ना कि कलर से होती है, तो डेफिनेशन क्या थी 9th का ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। क्या क्या जो बदलाव थे तो हुए। नॉर्मल सी बात है, जैसे पहले पहले क्या था बेटा, रेशियल गवर्नमेंट थी, मतलब गवर्नमेंट थी मतलब कलर वगैरह पे बेस्ड थी। तो अब क्या है कि जब सरकार चेंज हुई तो अब जो गवर्नमेंट है वो रेशियल नहीं थी, मतलब अपार्थाइड की नहीं थी। अब जब नेल्सन मंडेला सरकार बनी तो अदर कंट्रीज के, जैसे कोई ब्लैक है या कोई इंडियंस हैं, ये इनका कलर जो वाइट नहीं है, तो वो लोग भी वहाँ पर पहुँचने लगे। क्योंकि जो वाइट्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उस समय बेटा कलर के वास्ते फोकस करते थे कि जो वाइट है उसे प्रायोरिटी दी जाएगी और जो ब्लैक है उसे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो क्योंकि एंड ऑफ अपार्थाइड हुआ था उस टाइम, इसलिए जो अदर लीडर्स थे वो साउथ अफ्रीका पहुँच गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट
फॉर हैविंग कम टू टेक पजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर। अब ये किस किस की विक्ट्री हुई थी? जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, इन तीनों की हुई थी, इन तीनों की। उसी इसलिए आंसर क्या होता है बेटा? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। एक चीज़ और ध्यान रखिए बेटा, जो जनरली जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऑल ऑफ द एबव आंसर होता है, वो उसका आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होता है जनरली। और मतलब अगर 10 क्वेश्चन में पहला ऐसा है, 10 क्वेश्चन अगर ऐसा 10 क्वेश्चन में है, तो कम से कम 9 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। ठीक, तो अगर इन केस पेपर में ऐसा होता है कि अगर आपको नहीं आता है कि आंसर इसका क्या है, वैसे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, मेरे नोट्स में से लगभग फंस ही जाएंगे, तो अगर ऐसा तब भी बाई चांस एक क्वेश्चन बाहर से आ जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, हो सकता है एक क्वेश्चन बाहर से आ जाए, कोई नया क्वेश्चन बना दिया जाए, या तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए ज़्यादा ही अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो फिर हो सकता है ऐसा हो। अगर ऑल ऑफ द एवर ऑप्शन आ रहा है तो आप उसके साथ ही जाइएगा, या फिर बोथ वाला ऑप्शन आ रहा है तो उसके साथ जाइएगा, जनरली ऐसा ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वॉज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, उसे किससे आज़ादी चाहिए थी। देखो बेटा, एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, मतलब अगर कोई आदमी उसके पास ज़्यादा राइट होगी, कोई औरत है उसके पास ज़्यादा राइट होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले क्या था कि जो आदमी है उसके पास ज़्यादा राइट होंगे और जो औरत है उसके पास कम राइट होंगे, तो ऐसा नहीं था। पॉवर्टी से भी आज़ादी चाहिए हमें, गरीबी से भी, और डेप्रिवेशन से भी आज़ादी चाहिए। तो इसमें भी क्या था बेटा? ऑल ऑफ द एबव। देखा, ऊपर भी ऑल ऑफ द एबव, नीचे भी ऑल ऑफ द एबव, जनरली ऐसा ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन। तो इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, किसी भी कोई भी रोक टोक से आज़ादी मिलना, किसी भी रोक टोक से आज़ादी मिलना। ठीक, चलिए स्लेवरी तो मतलब स्लेव होता है नौकर, और स्लेवरी ये नौकरी, इससे तो कोई है ही नहीं इससे मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वॉज अ डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री प्रिसिजन, और ये बोथ है बेटा, ए और बी बोथ, ए एंड बी बोथ, बताया था बेटा मैंने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, वॉट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग पजेस, कौन सा कलर थे उसमें। तो ऑप्शन देखिए, ब्लैक, रेड, येल्लो, ब्लू एंड गोल्ड, तो येल्लो कलर उसमें नहीं था। ठीक, कौन कौन से थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ठीक, ऑप्शन 4, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हर्स हरेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये भी होता है कभी, जैसे थ्योरी का होता था पहले, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि जो मंडेला थे उन्होंने किस चीज़ को आज़ादी माना। ठीक, अब यहाँ जो अलग है वो ये, व्हाट स्ट्रक्चर मंडेला टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे थे मंडेला जी? तो रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, जो भेदभाव हो रहा था कलर के बारे में, कि जो ब्लैक कलर के हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके लिए, उसके अगेंस्ट थे। तो ठीक, पॉवर्टी एंड सफरिंग के अगेंस्ट थे वो, लेकिन वो इसके लिए नहीं थी जो वहाँ पॉवर्टी थी, वो इसीलिए थी कि ब्लैक को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो इसलिए थी। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, तो बेटा जब कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो वो अपने आप गरीब होगा, और गरीब होगा तो डिस्क्रिमिनेशन पैसे ही था, कलर से ही था, तो गरीबी से भी क्या हुईगा, है ना। चलिए क्या ही उससे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटा, होम डिड मंडेला वॉन्टेड टू थैंक बट कुडंट, वो किसे थैंक बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो जो अफ्रीकन पेट्रोइट्स थे, हु नो लॉन्गर सॉरी हु नो लॉन्गर एक्सिस्टेड, मतलब जो पहले उनके साथ जिन्होंने सफ़र किया, जो जिन लोगों ने उनके साथ, तो वो अपनी फैमिली को तो नहीं बोलना चाह रहे थे वो थैंक, ना वाइट रूलर्स को बोलना चाह रहे थे, ना मिलिट्री को, वो बोलना चाह रहे थे उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ स्ट्रगल किया, पर स्ट्रगल करते करते उनकी डेथ हो गई। अब वो उनको थैंक बोलना चाह रहे थे क्योंकि अब वो है नहीं, तो उनको बोल नहीं सकते थे। ठीक, बोल नहीं सकते थे लेकिन वो बोलना चाहते थे। चलिए अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, वॉट
अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड रूल्टी हैड। तो आप क्रिएटिव ऑप्शन है, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरसिटी। ठीक, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आंसर समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला के अकॉर्डिंग जो ग्रेटेस्ट वेल्थ थी नेशन की वो क्या थी? तो बेटा ना डायमंड्स थे, ना जेम्स थे, ना मिनरल्स थे। जो एक देश की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ होती है वो वहाँ के लोग होते हैं। अगर लोग अच्छे हैं तो वहाँ की वेल्थ अच्छी है। समझ में आया? चलिए, तो नेहरू यही मानना कि अगर देश के लोग अच्छे हैं तो देश मजबूत है। ठीक, अगर देश के पास काफ़ी पैसा है लेकिन लोग खराब हैं, करप्ट लोग हैं, या अनएजुकेटेड हैं, या फिर लोग हैं ही नहीं, तो हम उस गोल्ड का या उस डायमंड का क्या करेंगे जब देश में कोई चीज़ है, लोग ही नहीं हैं। तो पीपल जो हैं वो ग्रेटेस्ट वेल्थ होते हैं नेशन के। चलिए आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। वॉट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। मंडेला ने करेज के बारे में क्या लर्न किया, क्या सीखा? तो इट इज़ अब्सेंस ऑफ फियर। क्या ये साहस क्या है? फियर का अब्सेंस में होता है? नहीं, ये अगर फियर नहीं है तो क्या साहस होगा? नहीं, इट इज़ अ ट्रम्फ ओवर फियर। इट इज़ द ट्रम्फ ओवर फियर। अपने डर पर विजय पाना, अपने डर पर विजय पाना, इसे ही बोलते हैं बेटा करेज। ठीक, अगर आपने अपने डर पर विजय पा ली तो ये करेज है आपका, ये साहस है। चलिए, वॉट आर मैंस ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। जो एक आदमी की ऑब्लिगेशंस हैं लाइफ में वो क्या है? तो बोथ वन एंड टू, देखो ऑब्लिगेशन ऑफ पीपल और ऑब्लिगेशन ऑफ फैमिली, ये दोनों ही उसकी ऑब्लिगेशन होती हैं। जब मंडेला ने बात करी, मंडेला जी ने बात करी थी बेटा, तो आपको पता होगा उन्होंने ये बोला था कि या तो वो फैमिली के लिए काम कर सकता है या देश के लिए। तो उन्होंने फैमिली के काम बाद में किया था, पहले देश के लिए काम किया था और फिर फैमिली के लिए किया था, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट था। तो इसलिए पीपल एंड फैमिली दोनों, भगवान की उन्होंने कोई बात ऐसी करी नहीं थी। चलिए अगला, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। दो नेशनल एंथम गाए गए थे। तो पहला जो जो पहला था टू इम्प्लाई यूनिटी, इम्प्लाई यूनिटी के लिए, और सेकेंड टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो। समझ में आया? चलिए, तो दो नेशनल एंथम गाए गए थे, पहला टू इम्प्लाई यूनिटी एंड द सेकेंड वन टू मार्क द एंड ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो बोथ वन एंड टू आंसर हो जाएगा आपका। इतना बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 80 पे। वॉट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। कि जो क्या चीज़ है जो अपने आप हृदय में आ जाती है? बेटा घृणा जो है ना, वो आपकी, जैसे आपको किसी चीज़ से घृणा है तो आपके मन में उसके बारे में बुरा कहा गया होगा, उसको बताया गया होगा, तब आपके अंदर घृणा आई है। या एकता भी आपको जब एक मतलब बताया जाता है कि आपके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, तब आपके अंदर यूनिटी आती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो काले लोग होते हैं वो ख़राब होते हैं, गोरे लोग होते हैं वो ख़राब होते हैं, तब आपके अंदर ये घृणा आएगी। लेकिन जो प्यार है वो आपके दिल में अपने आप नेचुरली आ जाता है। तो वॉट कम्स मोर नेचुरली टू अकॉर्डिंग टू हर्ट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, तो वो है लव, प्यार। प्यार जो है वो अपने आप नेचुरली आ जाता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता कि बेटा ऐसा कर लो या फिर ये ऐसे प्यार करना चाहिए, ना, वो अपने आप आ जाता है ना, ये नेचुरल है। ठीक, तो एजेंट का क्या हो गया बेटा आपका? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा। वॉट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। तो इट इज जस्ट एन इल्यूजन। क्या था वो? जो बचपन की बात चल रही थी वो क्या था बेटा साहब? इल्यूजन था। क्योंकि हमें जो बचपन में हमें फ्रीडम क्या चाहिए होती है कि हम हमें बाहर घूमने दिया जाए या हमें कुछ करने दिया जाए, है ना? हमारी फ्रीडम कभी ये नहीं होती जो एक देश को चाहिए होती है ना? हमें अपनी फ्रीडम चाहिए होती है। वो सब बचपन में क्या होता है सर? भ्रम होता है। इट इज ऑल इल्यूजन। चलिए आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। वॉट विगन मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम। क्या चीज़ ने मंडेला को आज़ादी के लिए भूखा बना दिया? द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। ये
द फैक्ट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, इस चीज ने। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कौन सी पार्टी मंडेला ने ज्वाइन करी थी? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है बेटा वो इंडिया की है, ना कि अफ्रीका की। नेशनल अफ्रीकन पार्टी ये हो सकती है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं करी, तो वो उन्होंने करी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री की वीडियो भी आया करेंगे आपके इस चैनल पर। हो सकता है अगली जो वीडियो है वो हिस्ट्री की आए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैंस फ्रीडम इज, तो अ मैन हु टेक्स अवे, एक आदमी जो ले लेता है अनदर मैंस फ्रीडम, उसे क्या बोलते हैं? इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी ले लेता है वो घृणा का कैदी होता है, उसे घृणा किया जाता है। ठीक, तो अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। ठीक, चलिए अगला। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? तो उन्होंने स्पीच में बोली थी है ना कि ऑपरेशन और ऑपरेस्ड दोनों ही, जो जिस पर बेटा अत्याचार होते हैं वो और जो अत्याचार करता है, दोनों ही फ्री नहीं है, वो दोनों ही गलत हैं। उनके कहने का तात्पर्य ये था। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, कैसे उसने चेंज कर दी? तो एक ट्रिक बताई थी ऑल ऑफ द एबव, सबके आंसर होते हैं, तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द एबव आंसर है, फिर पढ़ लेते हैं। टर्न फ्रॉम फ्राइटेंड टू बोल्ड, उन्होंने बेटा उसे डरपोक से बहादुर बना दिया। टर्न फ्रॉम लो एविडिंग एटर्नी टू अ क्रिमिनल, ठीक इससे ऐसे हुआ। टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, ठीक जो समझ रहे हो, मॉन्क मतलब जो साधु होते हैं, भिक्षुक होते हैं वो टाइप के। तो तीनों ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, अगर कोई मीनिंग नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ ये PDF आपको मिलेगी। और बहुत सिंपल होता है टेलीग्राम ज्वाइन करना, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ टेलीग्राम की लिंक लिखी होगी, वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ से जाके सीधे जो टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस ज्वाइन पर क्लिक कर लेना है। ठीक, शेयर करने के लिए बहुत सिंपल ऑप्शन होते हैं, यहाँ बीच में जाओ, यहाँ कहीं शेयर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, शेयर पर क्लिक करो, व्हाट्सएप पर जाओ, अपने दोस्त को भेज दो, भेजा करो। इतने से काम के लिए आप इतना देर लगा लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं हो पा रहे हैं हमारे, बढ़ नहीं पा रहे हैं, प्यार कम दिखा रहे हैं, व्यूज़ बढ़वाइए, लाइक करवाइए लोगों से, क्या करते हो आप? ऐसे कैसे बच्चे पढ़ेंगे हैं? जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, करवाओ सब्सक्राइब। चलिए 24, 25 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वॉट डज डिपेस ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो ऑप्रेस्ड, हाइट्स ऑफ करेक्टर, पॉवर्टी या लैक ऑफ फ्रीडम? तो आपका आंसर है बेटा लैक ऑफ फ्रीडम। आज हमने 25 क्वेश्चंस पढ़े हैं, और जो हमने लेक्चर 1 में जो पढ़े थे है ना, यहाँ पे जो ख़त्म हो गए 25 क्वेश्चन, इसके बाद लेक्चर का पार्ट 2 आएगा कुछ दिनों बाद, जैसे ही मतलब क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे, वैसे ही आ जाएगा। लेकिन तब तक आप क्या करें, चैप्टर 1 लेंच अ लेटर टू गॉड और चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला, इन दोनों के ही MCQs याद कर लें। ये 25 इसमें है, कुछ 30 कुछ उसमें थे है ना, 25 यहाँ पर, 30 वहाँ पर है, तो 30 25 55 क्वेश्चंस हो गए। इन 55 क्वेश्चंस को याद करें, और अगली जो वीडियो आएगी हो सकता है सोशल के पहले चैप्टर की आए, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि हमें सोशल की भी चीज़ मिलेंगी, तो हो सकता है जो पहली वीडियो आए वो सोशल की आए। तब तक आपको ये वीडियो शेयर करनी है सभी को, और जब सोशल की वीडियो आएगी तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको टेस्ट देना है। उस टेस्ट में जितने भी नंबर आएंगे, जिसके भी हाईएस्ट नंबर आएंगे, सभी को देना, जितने भी आपके दोस्त हैं या फिर जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके जानकारी में, सबको सेंड करना, और वो तो सब लोग टेस्ट दें, जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, चीटिंग करनी नहीं है, या जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उनके नाम मैं यहाँ आके बोलूँगा आपके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें। ठीक, बहुत अच्छा फील होगा आपको भी, आप अपने घर पे दिखाएंगे कि हाँ सर ने देखो मेरा नाम लिया है ये वगैरह, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू देन।